प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। पास्टर जी, जब प्रार्थना सभाओं में सबसे ज़्यादा महिला ही क्यों आती है? इस संदेश को मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी करीब कल रात 11:15 बजे। तो आपके पीछे में जो फ़ोटो है ना, तो यीशु के सलीब की फ़ोटो है जिसमें आयतें भी लिखी हुई है। तो जब मैं परमेश्वर के वचन को सुन रही थी तो अचानक से उस फोटो में मुझे सफ़ेद और एक चमकीली सी रोशनी मुंहबल होती भी दिखाई दी। तो मेरा ध्यान उसी पर टिक गया और मेरा ध्यान उसी आयत पर भी टिक गई। और तब मैंने दूसरी वीडियो देखी आपकी, तो उसी उसी फोटो में जहाँ आयतें लिखी हुई है उसके सलीब के ठीक नीचे मैंने एक साफ साफ एक राजा को खड़े हुए देखा। उसके बाद मैंने फिर तीसरी वीडियो देखा तो उस पर मुझे एक भविष्यता खड़े हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में एक कागज़ फोल्ड करके रखा हुआ था, तो ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपकी चौथी वीडियो देखी, तो चौथी वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे कोई ऐसी चीज़ ना ज़मीन पे लेटी हुई दिखाई दी। जब आप परमेश्वर का वचन को बता रहे थे तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे जीजू, आपने ये दर्शन सुना और इस बहन ने जो दर्शन देखा प्रार्थना के दौरान, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और एक वीडियो नहीं, अनेक वीडियो में उन्होंने इस दर्शन का व्याख्यान करा है, बोला है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं और फिर कुछ बातें मैं आपको शेयर करूँगा आज। धन्यवाद करते पिता तेरे सम्मुख आते वाक्य में, तू अपने दासों के समीप रहता है, अपने दूतों को भेजता है और जो तुझे कहना होता है तो पिता अपने होली स्पिरिट के द्वारा हमसे कहलवाता है। पिता, जो भी तेरी बेटी ने देखा, ऐसे बहुत लोगों ने देखा पिता, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू अपने दास की रक्षा रखवाली करता है, आसपास तेरा बाड़ा होता है, तू खड़ा होता है, तेरे सर दूध खड़े होते हैं। ओ पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ ताकि तभी ये जुबान जो निकलती है वो तेरी ओर से निकलती है। सारी भविष्यवाणियाँ, प्रार्थनाएँ, संदेश, मीनिंग बताना सब तेरी ओर से होता है। आज तूने साबित कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू हमेशा करता है, इसलिए पिता यहाँ से निकलता हर एक वर्ड सच क्यों होता है, क्योंकि आप साथ खड़े होते हो, आपके दूध साथ खड़े होते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जी, तो आपने सुना कि कैसे एक बहन को प्रभु ने दर्शन दिया और उसने एक नहीं अनेक वीडियो ने, मतलब उसमें दिखा कि यहाँ पर जो ये फोटो है ना, इसमें आयत लिखी है, उस पर एक रोशनी हाँ मिली, फिर एक राजा खड़ा होकर देखा है ना, फिर एक भविष्यवक्ता को देखा, दो मुझे संदेश यानी कि कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है वो? ये एक बहन के द्वारा नहीं है, ये अनेक और अनेक लोगों के द्वारा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। एक बहन ने भी देखा था कि दो दूत मेरे यहाँ खड़े हैं, और एक ने देखा था कि पाशा जी आपको कोई संदेश देता है जब आप बैठते हो, तो वाक्य में जो भविष्यवाणी जो निकलती है वो मेरी ओर से नहीं, वो परमेश्वर का दूत खड़ा होकर यहाँ से क्या करता है, वो एक कहता ना एक लेटर जैसा होता है, स्क्रॉल जैसा, तो वो देता है, यानी कि संदेश देता है वो मुझे। वो संदेश चाहे वो भविष्यवाणी का हो, प्रार्थना का हो, चाहे वो संदेश हो वचन के द्वारा वो आप तक जाता है और आपके जीवन में बरकत लाता है, खुशी लाता है, आपके जीवन को बदलता है, आपको पाप से आज़ाद करता है, 100 गुना प्रतिफल लेके आता है। तो मेरे अजीज़ों, ये मेरी ओर से नहीं है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। और बहुत लोगों को बहुत कुछ दिखता है, किसी को प्रकाश, किसी को आग, इसमें आप भी गवाह हो और आप भी शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे आपको क्या क्या दिखता है। और कुछ लोगों को शैतान भी दिखते हैं, जैसे अभी इस बहन ने बोला लास्ट में क्या है, कोई लेटा हुआ है। अब क्या दिखता है, क्यों शैतान दिखते हैं? शैतान इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो फड़फड़ाती हुई क्या हुआ, हमारे कदमों में गिर जाती है। हालेलुया, शैतान धूल चाटता है, गिर जाता है परमेश्वर के सामने, दंडवत करता है वो परमेश्वर को। हालेलुया, इसलिए शैतान भी गिरता हुआ दिखाई देता है। और आप अपने कमेंट बता सकते हैं, और जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि इस वचन के अनुसार प्रभु ने बात की, जब उस बहन का मैसेज मेरे पास आया तो फिर मैंने वचन खोला, जैसे तो मुझे प्रभु ने ये वचन दिया। क्या कौन सा वचन है ये, मैं आपसे बातें करता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको आज ये बता रहा है कि यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री, परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री होती है, प्रभु के दास जो होते हैं, परमेश्वर उनके बिल्कुल करीब रहता है और उनके साथ चलता है, अपने दूतों को भेजता है, भविष्यवक्ताओं को भेजता है, ताकि जो भविष्य निकले वो पूरी हो। हालेलुया, तो वचन निकालेंगे मरकुस पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे, जो प्रभु ने मुझे एकदम से दिया इस संदेश के द्वारा। लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशो भविष्यवक्ता पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ
जो तेरे लिए माल सुधारे का हाल लिया। मेरा कहीं जाना हो, अभी मैं गुजरात गया था है ना बीते दिनों में, तो गुजरात में मीटिंग सक्सेसफुल हुई, परमेश्वर का प्रकाशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे आगे आगे चलता है ताकि वो हमें रक्षा दे सके और हमारी हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। और जितने भी वहाँ गुजरात में लोग थे, प्रभु ने सबको सुपर ब्लेस करा, सबके जीवन में पाप को हटाया, अधर्म को दूर करा, शैतान को हटाया और सबको आज़ाद करा। तो चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी प्रभु के दास जाते हैं परमेश्वर का आत्मा वहाँ जाता है, उसके साथ चलता है परमेश्वर। और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, चाहे इंडिया से बाहर से, फिर भी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार कर, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जब ये वचन दिया तो प्रभु ने कहा, देख मैं अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूँ। वाक्य में परमेश्वर हमारे परमेश्वर अपने दूत को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, तभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी मैसेज आप अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें, कोई भी, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 5 सेकंड का हो, चाहे 5 घंटे का हो। फिलहाल मेरा कोई भी मैसेज लाइव प्रार्थना 1 घंटे वाली होती है, लेकिन कोई भी आधे घंटे से ऊपर नहीं जाता, और अगर जाए भी तो कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का प्रकाशन है, आपका काम है देखना। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी मिस मत करा करो। कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी स्वर्गदूत जो यहाँ खड़े रहते हैं, वो आपको छू सकते हैं, आपका नाम बुला सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं। कभी भी आपको प्रार्थना देखनी है, चाहे दिन में 4 प्रार्थना आए, चाहे 2 प्रार्थना, चाहे 1 आए, चाहे लाइव आए, आपको देखना है। परमेश्वर का प्रकाशन कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इसलिए मेरा जी, तो हर प्रार्थना देखना जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता एक बार फिर इस सुंदर दर्शनों के लिए, भेद की बात बताने के लिए, वचन के लिए, और क्या धन्यवाद करता हूँ कि तूने बहुत कुछ बताया है आज पिता, इन लोगों की आंखें खोली, मन खोला, ताकि कोई भी प्रार्थना मिस ना करे, और जो भी मुँह से निकलता है वो मेरे मुँह से नहीं, वो तेरी प्रकाशन होता है, तेरे दूत, तेरा पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है, हमसे बुलवाता है, वो वाणी तेरी होती है पिता, जो भविष्यवाणी के जीवन में पूरी होती है, जो उनके मार्गदर्शन खोलती है, पाप से आजाद कराती है, जितने देश विदेश की भविष्यवाणी होती है वो सब पूरी होती है, क्योंकि वो आपके द्वारा होती है पिता। पिता तेरा दास जहाँ जहाँ होके आया है पिता, जहाँ जहाँ जाने वाला है, सहायता मदद करना, अपने दूतों को भेजना, और जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ देख रहे पिता, चाहे वो दिल्ली से हो, पंजाब से, गुजरात से, इंडिया से, या बाहर से, कहीं से भी, आज उनके जीवन में भी सखदूत खड़े कर देना, उनकी रक्षा खाली करना, और जिस परेशानी से है, परेशानी में, उस परेशानी को दूर करना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हर एक प्रार्थना, हर एक वीडियो जरूर देखो, जहाँ जहाँ प्रार्थना जा रही है वहाँ वहाँ परमेश्वर के दूत भी जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।